गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। नहीं, दोबारा से। शाहजहांपुर की एक लॉ स्टूडेंट ने यहाँ पे मेरी रोल मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ड्यूरिंग दिस रिपोर्टाज वॉज एक्सेस। और क्योंकि ये एक एक्सटॉर्शन केस है, एक रेप केस है, ऐसे मामलों पे लोग इजीली बात करने को तैयार नहीं होते हैं, स्पेशली जब वो लोकल्स हैं। बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में बोल रहे हैं। आप क्यों बोल रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो भी हो रहा है बहुत गलत है। और देर से चुप थी, आप कुछ बोल ही नहीं। मैम, मैं क्या बोल सकती हूँ? जानकारी नहीं है इस बारे में। अभी तो आप कह रहे थे ना। चलिए दूसरा सवाल पूछती हूँ। वन थिंग इज फॉर श्योर के लोगों में काफी कंफ्यूजन है, बिकॉज ऑन वन साइड इज दिस स्वामी चिन्मयानंद जो कि बहुत पावरफुल है और उनका इन्फ्लुएंस पूरे शहर पे देख सकते हैं आप। एंड दिस एक्सपोजर हैज लेफ्ट अ बिग क्वेश्चन ऑन पीपल्स माइंड। एंड दूसरे साइड ये लॉ स्टूडेंट की लड़की है। अब आई टेल यू, शाहजहांपुर में लड़कियाँ स्कूटीज, बाइक, साइकिल्स इस सब पे घूमती हैं दिन शाम रात। एंड टू मी दैट शोज फ्रीडम। One thing that these girls identify with this law student, it's the courage to speak and act against the one in power. क्योंकि ये केस over a month पुराना है, तो इसका काफी मीडिया कवरेज हो चुका था, तो I had access to all the information, I knew all the versions. But since जब तक आप ग्राउंड पे नहीं पहुंचते हैं, आपको पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है, कितनी बाइट्स मिलने वाली है, कितने लोग बात करने वाले हैं, कितना एक्सेस मिलने वाला है। यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट भी चल रहा था स्टूडेंट्स का चिन्मयानंद के खिलाफ, बट अब वो भी काफी हल्का हो गया है। आई वॉज रैंडमली पिकिंग अप पीपल, मुझे जहाँ पे लड़कियाँ दिख रही थी स्कूटर्स बाइक्स वगैरह पे, मैं उन्हें रोक के उनसे बात कर रही थी। शाहजहांपुर में लड़कियों से बात करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, बस का वेट कर रही है, तो हमने सोचा इस टाइम का यूज कर ले। यहाँ पे तीन लड़कियाँ हैं, मैं बीच में आ जाती हूँ, आप लोग कितने लोग बोलेंगे इधर आ गया जाइए। तो इस दो दिन के ट्रिप में जब दूसरे दिन भी लोग बोल नहीं रहे थे, तो ऑफकोर्स इट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। एक मोमेंट ऐसा आया व्हेन आई क्राइड, बिकॉज मैं बहुत देर से लोगों को अप्रोच कर रही थी और कोई बात करने को तैयार नहीं था। और उसी बीच सम लेडीज मेड सम नास्टी कॉमेंट्स अबाउट हाउ इट इज द गर्ल्स फॉल्ट इवन इफ इट्स रेप। व्हाई आई एम क्राइंग राइट नाउ इज बिकॉज मुझे अभी तीन चार लेडीज और मिली, और उन सब लेडीज ने ये बोला कि ताली एक हाथ से नहीं बचती है। काफी कुछ जो प्लान करके गई थी वैसा नहीं हो रहा था, तो मुझे ये था कि एडिट टेबल पे आके अब मैं इसे क्या बनाने वाली हूँ, कैसा होने वाला इसका एडिट। वीडियो का एडिट हमने काफी सिंपल रखा है। ब्रीफ मिला था कि टाउन को एक करेक्टर देना है, तो ट्राई करा हमने। ओपनिंग को लेके हमने काफी री एडिट्स करे हैं, पहले ड्रैवलॉग टाइप थी, अब ये एक्सप्लेनर टाइप है। मेरे साथ दो स्ट्रिंगर्स थे, एक शाहजहांपुर के एक बरेली के, एंड दे आस्क्ड मी टू टेक प्रिकॉशंस। दे डिडंट वांट मी टू गो इनसाइड मुमुक्षु आश्रम, दे डिडंट वांट मी टू गो इनसाइड द हॉस्टल एंड स्पीक टू पीपल अराउंड कॉलेज, बिकॉज दे सेड कि हमें बाइक पे लोग फॉलो कर रहे हैं अपेरेंटली, एंड पीपल आर कीपिंग एन आई ऑन अस। एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया था दैट यू नो कुछ भी हो सकता है आपके साथ, तो ऐसा तो नहीं मारपीट कर देगा सीधे हमारे पास। बस फिर हम लोग अब बाहर नहीं निकल सकते ना। क्यों सकते हैं? उनको लग रहा है कि हम लोग मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं या निगेटिव ढूंढ रहे हैं। वी वॉन्ट टू नो कि क्या इस केस का क्या असर पड़ा है, बट जो मुझे समझ आ रहा है जो इस केस का असर पड़ा है वो ये है कि सब डर गए। But I knew that I'll be safe because we hired a car from Delhi. We did not use the local transport. I did not have a camera person, so I had to shoot also. That was also going in my head all the time that I should take enough B-rolls. So this project was a lot of effort. It took about 2 weeks to edit it, and because of several changes, because we were trying different things and we wanted to tell the story in the best way possible. उन्होंने मेरा बलात्कार किया है। स्वामी चिन्मयानंद से जो 5 करोड़ रुपए मांगे गए, उस मामले में ये छात्रा मुख्य आरोपी है। करके मैं पैदा बात भी मना कर रहा था, पैदा बात मत करना अभी। किसने कहा था? ये इन्हें कहा था, मैंने कहा था। But all this comes at a substantial cost and a lot of effort. So we are asking you, our audience, to be a part of this journalism. Please support the Quint financially and help us pursue independent journalism.